हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, आपके प्यार से हम हमेशा खुश रहते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। और आज है दया पर मैं हमारा दूसरा दिवस, और उत्सव कल से स्टार्ट होगा और आज यज्ञ की पूर्णाहुति है, तो हमें वहाँ जाना है, अन्नकूट बनाना है, ढेर सारा काम है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं उठी हूँ जस्ट, और अभी नहा धो के घर का काम करके फिर हमें नाश्ता करने के लिए जाना है, अन्नकूट बनाना है, दर्शन के लिए जाना है यज्ञ के। तो चलो लग जाते हैं काम पर। पापा रेडी हो गए देखो, और मम्मी भी। हमारा पलंग चला गया इधर से, तो गद्दे आ गए इधर देखो। मैंने आपने बोला था मम्मी रात को इधर रखा है, मैंने भाभी ने रखा है, मैंने तो नहीं रखा था, भाभी ने रखा। मेरे को मालूम नहीं था, मालूम नहीं था, पर आपको मैंने बोला था। बाहर का काम कर रही देखो, मैंने अंदर का किया, पायल ने बाहर का किया, इसीलिए खत्म हो गया। भाभी ने अंदर का किया, भाभी ने पोछा लगाया, मैंने नाना धोया, नहाया धोया, मैंने ऐसा काम किया। ए मम्मा, सही बात है ना, तेरे को सब काम आ गया। हां, मेरा का काम तो परफेक्ट बता। तो मम्मी ने बगीचे में पानी दिया है, देखो टपक टपक हो रहा है इसमें से, देखो कितना पानी डाला है मम्मी ने। मम्मी ने तो नहीं डाला होगा इतना, पाल ने डाला होगा। तो सारा काम हो गया, सब कुछ आंकड़े में पोछा लगा दिया, सब कुछ काम क्लीन हो गया। अभी देखो क्लीन क्लीन सब कुछ हो गया है, घर पे भी हो गया। अब आ रहा है ड्रेस बदलने, कपड़ा चेंज करके आ गई। अभी हम लोग निकले हैं समाजवाड़ी में नाश्ता करने के लिए, घर का काम हो गया है, पर वापस आके हमें अन्नकूट बनाना है। तो वापस आएंगे, अन्नकूट बनाएंगे, और उसके बाद मंदिर में सेवा होगी तो सेवा के लिए जाएंगे। ऐसे है रंगोली भी करनी है, रंगोली बनानी है, मट्टी का कलर करना है। पर वैशाली दीदी है ना, आज यज्ञ में बैठा है ना, तेन उठाड़वा जाऊ है आपने। आज नाश्ते में खिचड़ी वगैरह की तड़का लगाया खिचड़ी को, और सेव खमणी, साथ में दूध और चाय, सब कुछ है। तो हम नाश्ता कर रहे हैं सब लोग, देखो नाश्ता कर लिए तो हम वापस घर पे जा रहे हैं। बीच बीच में लोग आते तो हम मिलते हैं, तो हमारा टाइम इधर ही खत्म हो जाता है पूरा। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता बड़ा ही टेस्टी था, खिचड़ी और साथ में थे सेव खमणी। और टेस्टी नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं बाजार में मैदा लेने के लिए, मैदा का पैकेट, प्रसाद बनाना है भगवान का, इसीलिए तो अभी हम निकले हैं मैदा लेने के लिए। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं मैदा लेके, और अभी मम्मी आटा गूंदेगी, फिर हम साथ में मिलके बेलेंगे। मैंने खाजा बनाया था, वही खाजा है यहाँ पर। दयापुर में क्या है कि प्रतिष्ठा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन अन्नकूट होगा, भगवान को भोग धरेगा, वही है ना मम्मी? तो भगवान को जो भोग धरेगा वो सबको बता दिया है कि आप ये चीजें बना के लाना, इतनी इतनी। तो पापा को, पापा के घर को अन्नकूट में वो खाजा आया है, खाजा की खाजा आया है। तो अभी हम चारों मिलके खाजा बनाएंगे, क्योंकि फिर कल नहीं तो परसों तो जाना ही पड़ेगा घर छोड़ के, कल नहीं तो परसों तो हमें घर छोड़ के जाना ही है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, कल उत्सव स्टार्ट हो जाएगा। और शाम को क्या है, पोथी यात्रा है, तो पूरा टाइम बिजी रहेंगे। तो अभी थोड़ा एक दो घंटा है, तो अपने बाल स्ट्रेट ना करते हुए और रंगोली ना बनाते हुए हम लोग ये काम करेंगे, अभी अन्नकूट बनाएंगे पहले। और यहाँ पर मम्मी ने घी गरम करने के लिए रख दिया है, और ये क्या है, पानी गरम कर रहे हैं, अभी इसमें आटा गूंदेंगे मम्मी। अभी हम भी मम्मी को हेल्प कराते हैं, तब तक के लिए मैं अपना फोन चार्ज पर रखती हूँ, और जो वीडियो सेंड करने हैं तरस को वो मैं सेंड करती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। 9 बज रहे हैं, और यहाँ पर ये राजा धीराज राजकुमार लालाश्री नाश्ता कर रहे है, देखो इतनी बड़ी समाजवाड़ी में सुबह सबका नाश्ता होता है, और ये काचबा घर पर खाता है। शू आम शू करो रही खबर पड़ी ने शरम आवे रही। एक तो तमारी मम्मी ने हाजरी में तमने कही ना कि सौथी मोटू दुख। ये हमारा लालिया अभी नाश्ता कर रहा है, और यहाँ पर अन्नकूट बन रहा है, खाचा बन रहे हैं। यहाँ पर ये बेल के रखा है, जिंकली से तल रही है,
और खाजा बन के रेडी हो गए हैं, जो एक डब्बे में डालेंगे और ये डब्बा जाएगा मंदिर पर। सब लोग रेडी हो गए हैं हम सब लोग रेडी जाने के लिए मंदिर पर। चकली जो हवन में बैठी है ना, तो उससे स्थापन करने के लिए, उसे उठाने के लिए। मम्मी ऐसे रेडी होके आए हैं और जिंकल और भाभी निकल रहे। देखो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पर, जहां पर हवन चल रहा है। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए संतो आए हैं यहाँ पर, और सारी लेडीज बाहर निकल आई है, जो यजमान थे वो हवन में, और बाकी संतो आएंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अभी एक एक करके सब संतो आ रहे हैं। संत तो सब जा रहे हैं वापस, और सारी औरतें वापस अंदर जाएंगी। अब सारे सांखियों की बहनें आए हैं हवनपुर में आखिरी आहुति देने के लिए और आशीर्वचन अपने देने। खाने के लिए आए तो हो, इतनी सारी लंबी लंबी लाइन है, कितनी लंबी लाइन है। उधर से स्टार्ट की लाइन तो पी लाइन, इतनी लंबी लाइन है। देखो कितनी सारी लाइन है। सब एक साथ में आए थे तो बहुत सारी लंबी लाइन है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं और बैठे हैं खाना खाने के लिए। आज खाने में है बूंदी पूड़ी सब्जी गांठिया और दाल चावल, और रोज की तरह रश्मि भाभी मेरे पास ही बैठे हैं। देखो ये हमारे ग्रुप है पूरा, अभी खाना खाने के लिए बैठा है। हमने खाना खा लिया, कुछ लोग बचे तो खाना खा रहे हैं। देखो अब खाना खा लिए, हम सब जा रहे हैं मंजू माँ के घर। हम घर पर आ गए वापस, खाना खा लिया, खाना खा के आ गए घर पर। आए तो देखा तो मम्मी और भाभी काम कर रहे हैं, भाभी कपड़े ले रहे हैं और मम्मी शंभू को खाना खिला रहे। 2 hours later 4:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं, जाने वाले हैं पोथी यात्रा के लिए। पर घर में से कोई रेडी होके निकल नहीं रहा है, सिर्फ अकेले मैं और मम्मी रेडी हुए हैं। मम्मी रेडी हो गए है तो ये चकली रेडी हो गई। चकली निकल का आ रहा नहीं हो आ रहा है, वो उसकी फुसफुस चालू ही रहती है। वो फुसफुस कर रही है, उसका फुसफुस। ए जिंगल है कि तैयार नहीं था, खाली कह रही नहीं था तैयार। और देखो लाला भी रेडी हो गया है, रश्मि भी रेडी हो गई है। रश्मि आ रश्मि, सारे लोग कितने तैयार हो के जा रहे हैं, पर ये लोग तैयार नहीं होते, निकलते नहीं है घर में से। अभी हम लोग निकल गए घर से फाइनली, पता नहीं कितने बज रहे हैं और अभी हम निकले तो है घर से। देखो भाभी माँ और जिंकल और चकली, अभी पोथी यात्रा के लिए पोथी आ रही है अंदर से।
बाबा जी ना हृदय में भगवान की स्थापना करी हो ने तो हम खाना खाने के लिए आए थे तो खाना अभी रेडी नहीं हुआ, नहीं मिला अभी, अब वेट कर के थक गए तो फिर बैठ गए। अच्छा प्रोग्राम सारा पूरा बढ़िया हो गया पर अभी खाने में बहुत बड़ी लाइन थी, लंबी लाइन, तो इधर बैठ गए हम, बैठ गए। अभी बातें करेंगे सानवी को, मस्का लगाएंगे कि सानवी हमें कुछ दे दे। खाने के लिए कितनी लंबी लाइन है, हम लोग कब से बैठे थे पर खाने का नंबर ही नहीं आया। देखो ये सब लोग अभी लास्ट में हम ही है। अभी देखो सब लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं, जो लड़कियाँ सारी पीछे से आई है, बातें कर रही थी, खाना खाने के लिए लेट आई है सभी। ये देखो सारी लड़कियाँ कितनी मोटी लाइन है सु, ये सारा बड़ा बड़ा ही प्यारा ग्रुप है। दो दिन इन लोगों के साथ सेवा करने में बहुत मजा आया, अभी साथ में करेंगे और भी सेवा। तो अभी हम लोग खाना खा के घर पर आ गए, चेंज किया, फ्रेश हुए और जो कपड़े हम वैसे के वैसे छोड़ के गए थे वो सारा मैस हमने सही किया है, अभी तय करके रख दिया है अभी, क्योंकि कल वापस से बिगड़ना है, रूम की हालत खराब करनी है, तो इसलिए अभी तय करके रखा है। और अभी फ्रेश हो, सारा काम हो गया, अब रेस्ट कर रहे हैं। तो बस देखो ये दोनों बहनें फोन में लगी है, वीडियोस देख रहे। और आज मुझे दया पर से इतनी प्योर एनर्जी मिली है, इतना पावरफुल रिस्पांस मिला है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है। और आप सब लोग हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो थैंक यू सो मच। मुझे आपके इतने सारे प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू सो मच। ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे मिलके मुझे इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आ जाता है। तो आप ऐसे ही मुझे, और 4-5 दिन हूँ मैं यहाँ पर दया पर में, तो आप हम लोग मिलते रहेंगे, तो ऐसे ही 4-5 दिन हमें मिलते रहो और प्यार दिखाते रहो, और मैं भी आपको इतना ही प्यार दिखाती रहूंगी। और प्लस आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे हम कल वापस आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए। बाय।